आज लास्ट अफ्तारी है तो मामा आलू के पकोड़े बना रही है, और जब मामा ये वाले पकोड़े बनाती हैं तो मामा को याद आते हैं उनके गांव में एक अंकल होते हैं, वो भी हर वक्त यही वाले अफ्तारी में पकोड़े बनाते थे और बहुत मजे के बनाते थे, इसीलिए मामा को ये बहुत याद आती है। और वो बहुत सारे पकोड़े बनाते थे और वो बेचते भी थे, वो एक होकर थे और बहुत अच्छे बनाते थे पकोड़े। मामा लोग जब स्कूल जाते थे तो मामा लोग के स्कूल में भी बेचने आते थे, और गांव में एक जो टोकरा जैसा होता है उसको सर में लग के तब भी पकोड़े बेचते थे। अभी उनकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। आज कंफर्म नहीं है लास्ट अफ्तारी है या फिर सेकंड लास्ट, और पता नहीं अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि लास्ट अफ्तारी है या फिर सेकंड लास्ट। आज मामा ने इसीलिए अफ्तारी कम बनाई है क्योंकि आज चांद रात थी और आज लास्ट अफ्तारी थी और हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, इसीलिए अभी बाहर जाके मेहंदी भी लगवानी है, चीजें भी लेनी है और मामा घर आके मामा ने ईद की तैयारियां भी करनी है। अच्छा, हम सब मिल के ये दुआ करते हैं नेक्स्ट आने वाला रमजान भी अल्लाह हमें सेहत और सलामती के साथ नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुना